आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव के मतदान के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक का आयोजन शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पंचायत भवन सभागार में किया गया। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा की अध्यक्षता में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही सभी धर्म के धर्मगुरु और शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मीटिंग में शहर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिनका शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन मीटिंग में अधिकारियों के द्वारा दिया गया। मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों से आगामी त्योहारों और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सहयोग की अपील की गई। मीटिंग के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी त्योहार ईद और लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग आयोजित की गई है। मीटिंग में सभी को बताया गया है कि ईद की जो नमाज है वो सड़कों पर ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। सभी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मिलकर मनाएं। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान में सभी लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने मत का प्रयोग करने के साथ ही अपने परिवार और आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान के प्रति प्रेरित करें। मीटिंग में आदि विषयों पर चर्चा करते हुए लोगों से अपील की गई। देखिए, हम लोगों ने जो आने वाले त्यौहार हैं, खासकर ईद अम्बेडकर जयंती और रामनवमी के त्यौहार, इन सभी त्यौहारों को सही ढंग से मनाया जाए, सफलता का मनाया जाए, इसकी अपील की है। और चूंकि लगातार ये इस दौरान निर्वाचन भी है, निर्वाचन का कार्य भी चल रहा है, आचार संहिता का अनुपालन सभी लोगों को करना है, उसके संबंध में विस्तार से बात की है और यहाँ पर सभी लोगों ने आश्वस्त कराया है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी जो ईद के समय जो नमाज है वो पूजा स्थलों पर ही हो, सड़क पर ना हो, यह हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। इस बात को भी उनसे अपील की है, उन्होंने आश्वस्त दिया है कि वो नमाज जो ईदगाह में होगी या मस्जिद में होगी। इसके अलावा मैंने सभी से अपील की है कि जो भी कार्यक्रम आयोजित आप लोग कर रहे हैं वो सुविधा ऐप के माध्यम से अप्लाई करना चाहिए। उनको बड़ा आसान है सुविधा ऐप को डाउनलोड कर लें और अपनी परमिशन 48 घंटे से पहले ही डाल दें तो अपने आप घर बैठे उनको परमिशन मिल जाएगी, सभी विभाग के पास चला जाता है, वो अपने परमिशन मिल जाती है। इसी तरह मैंने सी विजन ऐप के बारे में भी लोगों से कहा है कि जहाँ कहीं भी आपको आचार संहिता का उल्लंघन दिखाई देता है तो उसका फोटो खींचे और एक लाइन लिख के भेज दें, जैसे फोटो से अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि आचार संहिता उल्लंघन हो रहा है और तो उस समृद्ध के अंदर हम लोग उसका निस्तारण करते हैं। तो मैं ये दो ऐप के बारे में उनको डिटेल से बताया और उनसे बात की अपील की गई है कि आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग ईद के त्यौहार को, हंसी खुशी का त्यौहार, इसको बहुत अच्छे से और सभी ने आश्वस्त किया कि इस प्रकार अच्छे ढंग से त्यौहार मनाए गए हैं अभी तक।